ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है नए प्रोडक्शन के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे अमोनियम सल्फेट का प्रोडक्शन। ठीक है, अमोनियम सल्फेट कैसे बनाया जाता है, दो मेथड आज डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सी मेथड है और कैसे उसको किया जाता है। वैसे तो पहले हमने फ्लो डायग्राम बनाया है, तो डिस्कस करते हैं कि कैसे अमोनियम सल्फेट जो है बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम उसके नाइट्रोजन कंटेंट की बात करेंगे, कितना नाइट्रोजन कंटेंट होता है अमोनियम सल्फेट के अंदर। तो अमोनियम सल्फेट कंटेनिंग 21% नाइट्रोजन, कितना होता है 21% नाइट्रोजन। इट कैन बी ऑप्टेड एज ए बाई प्रोडक्ट और मे बी मैन्युफैक्चर सिंथेटिकली, मतलब अमोनियम सल्फेट है वो एज ए बाई प्रोडक्ट भी बन सकता है। मतलब कोई एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ चीज़ बना रहे हैं, तो अमोनियम सल्फेट एज ए बाई प्रोडक्ट, मतलब एक ज़्यादा चीज़ बन रही है तो ऐसे भी बना सकते हैं, और हम स्पेशली भी अमोनियम सल्फेट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दोनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि सिंथेटिकली कैसे बनता है और एज ए बाई प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो अमोनियम सल्फेट इज ऑब्टेन एज ए बाई प्रोडक्ट इन द स्टील इंडस्ट्री इन विच अमोनिया फ्रॉम कोक ओवन इज एब्जॉर्ब इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसे बाई प्रोडक्ट कैसे मिलता है, तो जहाँ पे भी स्टील इंडस्ट्री होती है, मतलब जो स्टील बनाती हो उनको जब हीट की जरूरत होती है तो वो कोक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कोक, जैसे कोल का एक फॉर्म। जब इसको गर्म करते हैं तो इसके अंदर से वोलेटाइल वेपर्स निकलते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंस जो कोक के अंदर होगा वो जब गर्म करेंगे तो उसमें से बाहर निकलेगा, तो उसमें से एक होता है अमोनिया। जो कोक ओवन, कोक को गर्म करने से जब अमोनिया उससे निकलेगा तो उसको डायरेक्टली जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, उसके ऊपर से पास करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो हमें अमोनियम सल्फेट मिलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट। मतलब हम बनाना चाहते तो स्टील इंडस्ट्री किसकी है, स्टील की, पर एज अ बाई प्रोडक्ट और क्या मिल रहा है हमको, अमोनियम सल्फेट मिल रहा है। तो एक तरीका ये है कि एज अ बाई प्रोडक्ट अगर उनको बनाना है तो जो कोक से वोलेटाइल वेपर्स निकलती है जिसमें अमोनिया है उसको डायरेक्टली पास कर दो सल्फ्यूरिक एसिड से, तो अमोनियम सल्फेट मिलेगा। ये एक हो गया कि भाई ऐसा बाई प्रोडक्ट बनाओ। ये खास करके सिर्फ अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए प्रोसेस नहीं था, पर ये स्टील बना रखे उसके साथ के बना एज अ बाई प्रोडक्ट। तो चाहो तो हम स्पेशली भी बना सकते हैं अमोनियम सल्फेट, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसका एक मिनट डायग्राम भी बनाया गया है और कैसे बना सकते हैं। अमोनियम सल्फेट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाई रिएक्टिंग सिंथेटिक अमोनियम विद सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जो अपने आप से बनाया हुआ अमोनिया हो, जैसे हैबर प्रोसेस से बनता है अमोनिया। कैसे बनता है, हैबर प्रोसेस हमने सीखा हुआ है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का रिएक्शन करके अमोनिया बनता है। तो वो अमोनिया ले लो और उसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर लो, तो जो है हमको अमोनियम सल्फेट मिल जाएगा। एक तरीका, ठीक है। तो एज अ बाई प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज अ बाई प्रोडक्ट। अमोनिया गैस फ्रॉम द कोक ओवन एंड 90-98% सल्फ्यूरिक एसिड इज इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यूट्रलाइजेशन चेंबर एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑब्टेंड। क्या करते हैं, जो अमोनिया वेपर निकली है कोक से उसको रिएक्शन जो है हम करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इन दोनों के साथ जो है जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें अमोनियम सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा, अमोनियम सल्फेट। ये रहा हमारा अमोनियम सल्फेट, जब हमने अमोनिया जो कोक में से निकली उसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया, अमोनियम सल्फेट हमको मिलेगा। जब उसका सॉल्यूशन मिलेगा, दिस इज पास थ्रू ए क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रिस्टल ऑफ अमोनियम सल्फेट इज सेपरेट आउट ऑन कूलिंग। अब इसके जो क्रिस्टल्स बनेंगे जब रिएक्ट करवाएंगे, सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन के अंदर इसके क्रिस्टल्स होंगे, क्रिस्टल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं या तो फिल्ट्रेशन से, है ना, फिल्टर करके इस क्रिस्टल को जो है हम अलग कर सकते हैं, फिर ड्राई करके हम उसको अलग से स्टोर कर सकते हैं। तो ये ऐसा बाई प्रोडक्ट है, मेथड बहुत ही छोटा सा है, जहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड कितना लेते हैं, क्योंकि 90-98% सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं जो अमोनिया वेपर निकला है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा मेथड है और जो है इसमें कुछ खास बताने वाली चीज़ भी नहीं, ठीक है। पर अब हमारा जो मेन मेथड है जो हम खास सिर्फ अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए करते हैं,
उसका नाम जो है जो जीतने वाले को उसके मेथड का नाम है सिटी प्रोसेस, जो एक बिहार की कंपनी है, बहुत ही बड़ी है, एशिया की सबसे लार्जेस्ट अमोनियम सल्फेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसीलिए उस कंपनी के नाम से ही उसका नाम दिया है सिमरी प्रोसेस। यहाँ पर हम जिप्सम की मदद से, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट को हम जिप्सम बोलते हैं, इसकी मदद से जो है हम अमोनियम सल्फेट बनाना सीखेंगे। तो ए न्यू मेथड हैज बीन डेवलप्ड एट ए सिंधी फर्टिलाइजर फैक्ट्री बिहार, विच इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट अमोनियम सल्फेट फैक्ट्री इन एशिया। एशिया की, सिर्फ इंडिया की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए, जो है उसका नाम है सिंधी, नाम हमने अभी बताया, सिंधी फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो बिहार में है, जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है पूरे एशिया में जो अमोनियम सल्फेट बनाती है। अब द मेथड कंसिस्ट इज पासिंग ए कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया डाउन द टावर पैक विद एल्यूमिनियम रिंग्स अगेंस्ट द करंट ऑफ CO2 एज टू फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट। अभी देखो ये सबसे पहले, अब जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा वैसे ही फ्लो डायग्राम में मैं तुमको बता जाऊंगा कि ये जो हमने बोला वो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सोल्यूशन, मतलब जो हमने हैबर प्रोसेस से बना होगा अमोनिया, उसके इस्तेमाल जो है हम यहाँ पर करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सोल्यूशन जो है टावर के ऊपर की साइड से हम डालेंगे और नीचे से CO2 को पास करेंगे। अब इसमें एल्यूमिनियम रिंग्स क्या है कि वो जैसे कि टावर है ऐसा, इसमें ऐसे एल्यूमिनियम रिंग्स हो, ये रिंग्स क्या करेंगी जो अमोनिया ऊपर से नीचे गिर रहा है उसको यहाँ पर होल्ड करेंगे, और नीचे से कौन आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, ये अमोनिया और CO2 के बीच में क्या होगा रिएक्शन होगा, इसीलिए इसका नाम भी हमने रखा है रिएक्शन टावर। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है रिएक्शन हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम रिंग का काम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अमोनिया है यहाँ पे होल्ड रहे और कार्बन डाइऑक्साइड को मौका मिले कि वो उसके साथ रिएक्ट करे। तो ये जो है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होती है, एल्यूमिनियम रिंग क्या है सरफेस एरिया जैसे बढ़े थोड़ा सा टाइम मिले कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करने का। एल्यूमिनियम रिंग नहीं होगी तो दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट टाइम होगा बहुत ही कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगा। तो हम रिएक्शन टाइम बढ़ाने के लिए या कॉन्टेक्ट टाइम बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी रिंग्स लगाएंगे ताकि इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होने वाला है, जो कॉन्टेक्ट टाइम होने वाला है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो इन दोनों के रिएक्शन के जैसे कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है इसका मतलब ये नहीं कि प्योर होगा, इसके अंदर पानी भी होगा। तो इन तीनों का मतलब ये इसके साथ ही है क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया ले रहे हैं तो उसके साथ वाटर भी ही होगा और हम यहाँ से नीचे क्या पास कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें क्या मिलेगा अमोनियम कार्बोनेट मिलेगा। तो पहले टावर में हमने क्या किया अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया फर्स्ट टावर के अंदर। तो ये रहा इसका रिएक्शन अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड, हमें मिला अमोनियम कार्बोनेट। चलो नेक्स्ट, नाउ प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ फाइनली ग्राउंडेड जिप्सम इज फेड इनटू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इन लार्ज टैंक्स वेयर एज कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेसिपिटेटेड ग्रेजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ डबल डीकंपोजिशन। यहां पे एक और रिएक्शन हमें देखनी है, तो मिटा देते हैं इसकी पूरा जो जरूरत नहीं। चलो हमने जो है नाम भी इसका ये लिया कि फ्रॉम जिप्सम, यहाँ के हम यहाँ पे जिप्सम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिप्सम और कुछ नहीं पर कैल्शियम सल्फेट है जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, जो सीमेंट वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा अमोनियम कार्बोनेट बना था उसको सेकेंड टावर में हम जिप्सम पाउडर के साथ रिएक्ट करवाए, ठीक है। तो उसका रिएक्शन क्या है, यह रहा अमोनियम कार्बोनेट जो पहले बना था उसका रिएक्शन हम कैल्शियम सल्फेट के साथ करेंगे। तो यहाँ पे डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, मतलब इन दोनों का आपस में एक्सचेंज होगा, ये इसका ले लेंगे ये इसका ले, जिसको हम डबल डीकम्पोजिशन बोलते हैं, जिससे क्या होगा हमको अमोनियम सल्फेट मिलेगा। और साथ में जब ये कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेगा तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पर हमको हमारा प्रोडक्ट मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको अभी हम यूज़ कर सकते हैं, हमें और भी चीज़ें करनी पड़ेगी, इसको कॉन्सेंट्रेट बनाना पड़ेगा, फिर उसको क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
फिर जाके हमको जो है इसका इस्तेमाल करने को मिलेगा। तो अभी भी हम प्रोसेस के अभी बीच में है, अभी भी हमको पूरा हमारा प्रोडक्ट नहीं मिला। कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया पास अंडर ऑल द जिप्सम इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो भी हमने यहाँ पे जिप्सम लिया है उसको कम्प्लीटली यूज कर देना है, उसको कन्वर्ट कर देना है कैल्शियम कार्बोनेट में। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड देते रहेंगे ताकि वो फुल्ली जितना भी जिप्सम लिया वो सारा का सारा कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। द रिजल्टिंग कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड द अमोनिया सल्फेट सॉल्यूशन इज इवोपरेटेड एंड क्रिस्टलाइज्ड इन वैक्यूम। कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अब यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना इसको क्या फेंक देंगे? नहीं, इसको एज अ रॉ मटेरियल हम भेज देंगे सीमेंट बनाने के लिए। सीमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ पे भी सीमेंट बनता होगा उसको हम एज अ रॉ मटेरियल इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे दोनों का रिएक्शन हुआ, ये जिप्सम पाउडर वाला जो ये हमारा रिएक्शन टावर है जिसमें हमने जिप्सम पाउडर और अमोनियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाया, इन दोनों का जो है रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन मिक्सचर को हमने एक दूसरे टावर में ले लिया। यहाँ पे हमने प्रेस कर दिया, फिल्टर प्रेस की मदद से इसको सेपरेट कर दिया और ये जो अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिला है उसको हम और एक नेक्स्ट टावर इवोपरेटर में जाने लगे। अब इसी के अंदर अभी भी पानी है, मतलब इसके अंदर भी मॉइस्चर अभी भी है, पानी कंटेंट है, उसको निकालने के लिए हम इवोपरेटर का इस्तेमाल करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जितना भी पानी है हमको निकालना वो सारा का सारा पानी निकल जाएगा और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सल्फेट हमको मिलेगा। मतलब यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन जो यहाँ से निकलेगा उसी को हम जो है इस वैक्यूम क्रिस्टलाइजर्स के अंदर डालेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो मिलेगा उसको फिर हम वैक्यूम की मदद से क्रिस्टलाइज कर देंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है अमोनियम सल्फेट हमको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसको पैकिंग वगैरह जो भी है वो करेंगे उतरेंगे। अब कुछ कुछ फैक्टर जो है इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमोनियम सल्फेट मिले, तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? द फैक्टर विच प्रमोट्स द हाई यील्ड ऑफ अमोनियम सल्फेट्स आर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम। सबसे पहले कि हम यहाँ पे जो भी अमोनिया लें बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हो, है ना। अगर डाइल्यूट एंड अमोनिया लेंगे तो हमको यहाँ पे जो अमोनियम सल्फेट मिलेगा बहुत ही कम मिलेगा। तो अगर हमको इसका यील्ड यानी कि जो प्रोडक्शन है बहुत ही ज़्यादा करना है तो यहाँ पे जो हम अमोनिया लेंगे वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे। फिर कंट्रोल ऑफ CO2 का पार्शियल प्रेशर जो है इसको भी हम कंट्रोल रखेंगे, बहुत कम प्रेशर होगा तो भी नीचे लेगा, मतलब कंट्रोल वे में हम रखेंगे। जो बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन है इसमें क्या है कि सिर्फ कार्बोनेट ही बाइकार्बोनेट भी बन सकता है, तो इसका पार्शियल प्रेशर हम ऐसा मेंटेन करेंगे कि सिर्फ कार्बोनेट बने बाइकार्बोनेट ना बने। फाइन क्रशिंग ऑफ जिप्सम टू एक्सपोज लार्ज सरफेस एरिया, हमें पता है हमने कैटालिसिस में पढ़ा होगा कि जब सरफेस एरिया हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो जिप्सम रहेंगे उसको पाउडर फॉर्म में लेंगे ना कि वो लम्ब्स के फॉर्म। जिप्सम जो होता है वैसे हमको लम्ब फॉर्म्स में भी मिलता है पर उसकी जगह लम्ब्स की जगह पे हम पाउडर लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन हो, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही रिएक्शन ज़्यादा होगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मदर निकल ऑमोनिया का सेटलमेंट ऑफ प्रेसिपिटेटेड मैटर। अब यहाँ पर जो मदर निकल को हम गर्म करने वाले हैं, जो भी गर्म होगा कि जो भी प्रेसिपिटेट है वो जब बैठ जाएगा फिर हम गर्म करेंगे। फिर अगर मान लो कि अभी भी प्रेसिपिटेट दे रहे हैं उसको गर्म करोगे तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे, तो पहले हम सेटल डाउन हो जाने देंगे उसको सेपरेट कर लेंगे फिर गर्म। तो ये हमारा सेकेंडरी प्रोसेस था जिसकी मदद से हम जो है अमोनियम सल्फेट बना सकते हैं। तो दो मेथड देखे, एज अ बाय प्रोडक्ट और दूसरा सेकेंडरी प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसका फुल डायग्राम तुम्हारे PDF के अंदर है, उसको देखो समझो और एक बार अपने आप से बना के देखो, रिएक्शंस कौन कौन से वो देखो लिखो और सारी प्रोसेस को इधर से ही समझ। एक बार तुमको फ्लो डायग्राम आ गया तो समझो इसके अंदर का क्या है, तुमको यही चीज़ याद रखनी है। इसके बाद इसका स्टेप ये है तो इसमें क्या हो रहा है, इसके बाद ये स्टेप है तो इसमें क्या हो रहा है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या। तो ऐसे फ्लो डायग्राम याद रखोगे तो अंदर का कंटेंट अपने आप याद रह जाएगा कि इसके अंदर ये स्टेप हो रहा है, तो उसी को वर्ड्स के अंदर लिखना है इसके अंदर ये हो रहा है। हो सकता है दो तीन बातें और भी उसके अंदर हो जो यहाँ पर हमने ना दिखाई हो, पर वही थोड़ी बहुत याद हमें रखनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाएगी कि हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। तो जब भी तुम फ्लो डायग्राम बनाना सीखो तो अपनी कॉपी बनाओ, कॉपी में ये पूरा डायग्राम बनाओ और कहाँ कहाँ कौन सा टेम्परेचर है, कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, कहाँ पर कितना परसेंटेज निकल रहा है, वो इसके अंदर मेंशन करो। फिर तुमको सिर्फ फ्लो डायग्राम ही को देखना पड़ेगा, जिससे तुमको पता चल जाएगा कि हाँ इस स्टेप में दो तीन चीज़ें जो वर्ड्स में लिखी हुई है वो यहाँ पे हमको याद रखते हैं, बस उतना सी बात में, मतलब ये पूरा टॉपिक तुमको सिर्फ इतने से पेज में आ जाएगा, फिर एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने भी फ्लो डायग्राम तुम सीखने वाला है उसके लिए तुम सब जो है ऐसा ही मेथड करो, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, बहुत ही जल्दी हो जाता है, तुम्हारा टाइम बच जाता है और जब रिविजन करना होगा तो इससे ज़्यादा अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो हमने देखा अमोनियम सल्फेट का प्रोडक्शन और हम आने वाले लेक्चर्स में और भी नए नए फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे और इसके बाद एक लास्ट रहेगा यूरिया। यूरिया का हम प्रोडक्शन देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूरिया का प्रोडक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर है यूरिया, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तुमने भी उसका नाम सुना होगा, ऐसे फर्टिलाइजर यूरिया हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका प्रोडक्शन हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट है ये भी, इम्पोर्टेंट है पर यूरिया थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ अमोनियम सल्फेट के साथ में कुछ छोड़ रहे हैं, जिसको स्टडी करो, अपना फ्लो डायग्राम बनाओ, इसको बिना देखे बनाने की कोशिश करो और जल्दी से जल्दी जो है इसको याद रखने की कोशिश करो। थैंक यू।